प्यारे बच्चों, 2 दिनों बाद आप सभी की फ़र्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम शुरू होने वाली है और बहुत दिनों बाद आप ऑफलाइन एग्ज़ाम में लिखने वाले हैं, जो कि 80 मार्क्स का होगा और 3 घंटे का समय लगेगा। तो मैंने सोचा क्यों नहीं एक पैटर्न, जो मैथमेटिक्स पैटर्न क्लास 6 to 10 के लिए है और हम लोग दे रहे हैं, और किस तरह से तैयारी करें उसके बारे में बता दूँ। तो सबसे पहले बहुत जल्दी मैं क्वेश्चन पेपर के पैटर्न के बारे में बताती हूँ कि सेक्शन 1 जो है, जिसमें पार्ट ए और पार्ट बी है, पार्ट ए में आपके 16 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जो 1 मार्क हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, जिसमें 8 MCQ होंगे जिसमें ऑप्शन रहेंगे, और 8 छोटे से क्वेश्चन होंगे जो आप डायरेक्टली 1 मार्क क्वेश्चन कर सकते हैं। वर्किंग छोटी सी भी होगी या डायरेक्ट आंसर भी होगी। पार्ट बी में हम आते हैं जहाँ पे 4 केस स्टडीज़ होंगे। केस स्टडीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें 4 सब पार्ट्स होंगे। 4 सब पार्ट्स ये 6 to 8 के लिए है। क्लास 9 to 10 के लिए हमारे पास 5 सब पार्ट्स हैं, जिसमें से आपको 4 सॉल्व करना है। सेक्शन 3 आते हैं, जिसमें कि वेरी शॉर्ट आंसर है, जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, और नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 होंगे, टोटल 12 मार्क्स होंगे। शॉर्ट आंसर जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं वो 7 होंगे और टोटल 21 मार्क्स, और लॉन्ग आंसर जो बड़े क्वेश्चन होंगे वो 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन और 15 मार्क्स के क्वेश्चन। तो ओवरऑल आपका यहाँ पे कितना समय लगना चाहिए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट जैसा मैंने देखा है लास्ट 2 एग्ज़ाम जैसे यूनिट टेस्ट और पीरियडिक टेस्ट में टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा नहीं रहा है। तो इसमें आप कोशिश करेंगे कि ये पहला जो है सेक्शन 1 40 to 50 मिनट्स में हो जाए, जो हो जाना चाहिए। थोड़ा बहुत अंतर हर एक पर डिपेंड करता है आप किस तरह से करते हैं। दूसरा सेक्शन 2 25 to 30 मिनट्स में हो जाए, आपकी प्लानिंग ऐसी रहे। सेक्शन 3 30 to 40 मिनट्स में हो जाए, और सेक्शन 4 जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है वो 20 to 25 मिनट्स में हो जाए। इसके बाद हो सकता है कुछ क्वेश्चन में आप सोचें, आपको कुछ समय लगे, तो ये ओवरऑल 2.5 घंटे में आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाना चाहिए, फिर आप जिससे कि रिविज़न या कुछ क्वेश्चंस आप फिर से देख सकें। अब जब आपके पास आंसर शीट मिलती है, तो उस आंसर शीट में सबसे पहले मार्जिन आप लेफ्ट साइड में ड्रॉ करें, अगर दी हुई है तो बहुत अच्छी, और राइट साइड में 1 स्केल मार्जिन आप रफ के लिए रख दें। कभी कभी ऐसा होता है कि आप इधर रफ, इस साइड रफ कर देते हैं, कभी मार्जिन इस ऊपर में रफ़ कर देते हैं, तो आपका प्रेजेंटेशन बहुत ख़राब हो जाता है, तो वो आप ना करें। और सेक्शन 1 जैसे शुरू कर रहे हैं तो आप क्वेश्चन नंबर 1 डालें, जो कि जैसा क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन पेपर में दिया है वैसा ही, ऐसा ना कि आप रोमन नंबर लिखना शुरू कर देते हैं और फिर बहुत मुश्किल होती है। तो आप क्वेश्चन नंबर देकर जो ऑप्शन करेक्ट है वो और आंसर लिख दें। अगर ऐसा लगता है कि उसके लिए थोड़ी सी वर्किंग चाहिए, तो आप 2 लाइन और 3 लाइन में, 2-3 स्टेप में वर्किंग कर सकते हैं। इसमें आप कुछ स्टेप स्किप कर सकते हैं आप चाहें तो, और या शॉर्टकट ट्रिक्स भी ले सकते हैं, क्योंकि ये 1 मार्क क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं कि आप एक पेज वर्किंग कर रहे हैं और आपका टाइम भी जा रहा है और आप ओवरऑल आपको 1 मार्क ही मिल रहे हैं। ऐसा बिल्कुल ना लिखें। कभी कभी देखा जाता है कि आप आंसर लिख रहे हैं ANSWER अननेसेसरी, इसको ना लिखें, और ऑप्शन इस वर्ड को भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे क्वेश्चन नंबर और इस तरह से डालें। अब जैसा इक्वेशन वाले क्वेश्चन हैं, तो ये एक करेक्ट वे और इनकरेक्ट वे है लिखने का तरीका। जैसे इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो कभी कभी होता है कि एक इक्वेशन आप लेफ्ट साइड से राइट साइड RHS में हम ले जा रहे हैं, और हमारा इक्वल इस साइड छोटा होते होते हम इस तरह से सॉल्व करते हैं, जो कि बहुत
इनकरेक्ट वे है लिखने का तरीका। आप सीधे ऐसा लिखें कि बिल्कुल इक्वेशन एक सीध में आए, हर एक स्टेप में आंसर को आप रेक्टेंगुलर बॉक्स में लिखें। या हम कह सकते हैं क्लास 9 और 10 में कॉन्ग्रुएंसी या सिमिलैरिटी के क्वेश्चन हुए तो हम इस तरह से ट्रायंगल मेंशन करते हुए तीनों क्राइटेरिया को एक सही तरीके से और ये इक्वल साइन को एक लाइन में लिखें, राइट साइड में हम रीज़न दें कि गिवन है या कॉमन, और फिर हम कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करें। तो इस तरह से देखने में भी अच्छा लगता है। ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप फिगर ज़रूर बनाएं, अगर आपके क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है तो भी बहुत जल्दी से बनाएं, ऐसा ना कि बहुत टाइम टेकिंग लेते हुए आप बना रहे हैं और आपका समय बर्बाद हो रहा है। 2 मार्क्स क्वेश्चन में जो है गिवन टू फाइंड आउट की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सॉल्यूशन पे फिगर बनाने के बाद डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आ जाएं। रीज़न दे इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर कि किस तरह से हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ले रहे हैं या एंगल सम प्रॉपर्टी ले रहे हैं, एंगल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, जो भी जहाँ भी हम किस यूक्लिड्स एक्सियोम या क्लास 9th में बोले तो जो भी जिसकी भी हेल्प ले रहे हैं अपने आंसर के सपोर्ट में उसको मेंशन करें और उसे सॉल्व करें। लेकिन अगर 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन हो तो आप सारे ही चीज स्टेप्स बताएं, जैसे फिगर, गिवन टू फाइंड आउट, सॉल्यूशन, सारे को। अब हम बहुत जल्दी से आ जाते हैं ग्राफ, जो कि टाइम कंज्यूमिंग है आपके केस में, जो सारे ही क्लास में है। तो ग्राफ को आप लैंडस्केप साइज़ में बनाएं, जिससे कि आपको आंसर शीट लगाने में सुविधा होगी। और क्वेश्चन नंबर ज़रूर लिखें, कभी कभी 2-3 ग्राफ रहता है और क्वेश्चन नंबर नहीं रहता तो बहुत दिक्कत होती कि किस ग्राफ का कौन सा क्वेश्चन नंबर है। तो जब आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो ये देखें कि नीचे दो बॉक्स वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल छोड़ दें, क्योंकि इन्फॉर्मेशन लिखने में आसानी होगी। यहाँ आप नंबर लिखेंगे, एक्स वाई एक्सिस एंटर करना ना भूलें, और एरो स्केल डालें, और क्या इन्फॉर्मेशन है, बार ग्राफ रिप्रेजेंटिंग या डबल बार ग्राफ है या हिस्टोग्राम है, इस तरह से आप बराबर से मेंशन करते हुए लिखें, जिससे कि आपके लाइन स्ट्रेट रहें, विड्थ यूनिफॉर्मली दें, तो ग्राफ के क्वेश्चंस आप इस तरह से बहुत सफाई से, और थोड़ा टाइम लगेगा तो ग्राफ के लिए आप कुछ समय ज़्यादा रखें। क्लास 6 to 8 में ऑप्शन नहीं है, मतलब आपके लिए सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, कि 9 और 10 में हर एक सेक्शन में कुछ ऑप्शन है, मतलब आपके पास चॉइस है। तो इसमें आप अगर और वाले क्वेश्चन करते हैं, जैसे एक क्वेश्चन है या उसके साथ और करके दूसरा क्वेश्चन है, तो आप मेंशन करें कि कौन सा कर रहे हैं, और वाले क्वेश्चन को कर रहे हैं, जिससे कि आसानी होगी। फिर ऐसा होता है कि बहुत बार क्वेश्चन करते हुए आप जब सॉल्व कर रहे हैं आपसे गलती हो रही है, तो आप एक बार ही उसे डायगनली कट करें, ऐसा ना कि आप ऐसे 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 बेवजह गलती कर रहे हैं और काट रहे हैं, खुद ही बना रहे हैं, खुद ही काट रहे हैं। कभी भी इंग्लिश को मैथमेटिकल पार्ट के साथ मिक्स नहीं करें। जैसा होता है कि आप वी नो दैट एंगल सम प्रॉपर्टी मेंशन कर रहे हैं, फिर आप एक लाइन इक्वेशन का लिख रहे हैं, फिर दूसरा लाइन इंग्लिश डाल रहे हैं, फिर इक्वेशन लिख रहे हैं, तो ये नहीं। आप सारे रीज़न को, जो रीज़न है उसको राइट साइड में ब्रैकेट में देकर करें, और सारे मैथमेटिकल पार्ट को इस तरह से, जैसा कि वर्ड प्रॉब्लम में भी होता है, वर्ड प्रॉब्लम में हम स्टेटमेंट लिखते हैं और इधर कैलकुलेशन करते हैं, जिससे कि देखने में आसानी होती है। स्टेटमेंट जब हम लिख रहे हैं तो इस तरह से अगर आप इस बातों का ध्यान रख के करेंगे तो आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा रहेगा। और मुझे लगता है मैंने सारे पॉइंट्स बता दिए हैं, तो आशा करती हूँ कि आप सारे पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए अपने आंसर शीट को सॉल्व करेंगे। Thank you.